नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी को गंदा राजनीतिक खेल करार दिया। घुटने की चोट से उबर रही बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नोटबंदी और जीएसटी समेत कई बिना सोचे समझे फैसले लेकर भाजपा देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने के एनसीईआरटी के कदम पर भी हमला बोला। कालीघाट मंदिर के पास अपने आवास पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी ने कहा, भाजपा कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और अन्य के आवास पर छापेमारी की। एजेंसी ने कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में धन शोधन की जांच के तहत राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा के जयपुर और सीकर स्थित परिसरों पर भी छापे मारे। उन्होंने कहा, क्या अत्याचार क्या अनाचार चल रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी के छापे के नाम पर गंदा खेल कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भाजपा नेता आवास पर इस तरह का एक भी छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कोलकाता में ज्योति प्रिय मलिक के आवास पर तलाशी के दौरान अगर उन्हें कुछ होता तो वो भाजपा और ईडी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराएंगी। उन्होंने कहा, ज्योति प्रिय मलिक अस्वस्थ हैं। अगर ईडी के छापों के दौरान उन्हें कुछ होता है तो मैं प्राथमिकी दर्ज कराऊंगी। वहीं मलिक पर ईडी के छापे को लेकर प्रदेश भाजपा प्रमुख सुकांत मजुमदार ने कहा, यह छापेमारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए।